कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने होटल सुराना पैलेस में प्रेस वार्ता लेकर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री पर सिंहस्थ भूमि को आवासीय करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता व प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने शनिवार को जीडीसी कॉलेज रोड स्थित सुराना पैलेस होटल पर प्रेस वार्ता की। जीतू पटवारी ने यहां प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव पर सिंहस्थ मेला क्षेत्र की भूमि को निजी स्वार्थों को लेकर आवासीय करने के आरोप लगाए। जीतू पटवारी ने कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को सुरक्षित करने में करप्शन की बू आती है। इस मामले को लेकर साधु संत अखाड़ा परिषद व आम जनता ने आपत्ति ली है, इसलिए सरकार की भावना का ध्यान रखें। हमने सिंहस्थ क्षेत्र को लेकर संवैधानिक भी आपत्ति ली है और पब्लिक के बीच भी जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा बांग्लादेश में दिए गए भाषण को कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सुराना पैलेस होटल में प्रेस वार्ता में झूठा बताया। कांग्रेस नेता व पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने शनिवार को प्रेस वार्ता लेकर प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में अपने भाषण में कहा कि बांग्लादेश की आजादी के सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया। जीतू पटवारी ने कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए पूरा देश एकजुट था, तो मोदी जी बताएं वे सत्याग्रह कहां कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री यदि ऐसा झूठ देश के बाहर बोलते हैं तो बड़ा गंभीर विषय है। बड़नगर रोड पर किसान कर्ज माफी के प्रमाण पत्र कबाड़ में मिलने के मामले में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा सीएम माफी मांगे। उज्जैन के बड़नगर रोड स्थित एक कबाड़ की दुकान पर कमलनाथ सरकार के किसान कर्ज माफी प्रमाण पत्र मिले थे। मामले में शहर कांग्रेस ने जांच की मांग की थी। शनिवार को कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शहर में प्रेस वार्ता लेकर शिवराज सरकार पर आरोप लगाए कि उन्होंने किसानों के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें प्रमाण पत्र मामले में माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल ये जानना चाहे जीतू, ये मुद्दा क्या है कि जैसे सिंहस्थ की जो अधिसूचित भूमि है क्या वो 3,100 हेक्टेयर है? दो मुद्दे हैं इसमें, वो कोई समझ नहीं पा रही है, वो आप समझाओगे। तो ये है जो जीवन खेड़ी सीमा का जहाँ तक प्रश्न है, प्रशासन का अधिकार भी है और भविष्य को देखते हुए उसको बड़ा और घटा सकते, ये तो अपने आप में सकारात्मक बात है। तो मुद्दा ये नकारात्मक बात कि सीएस क्षेत्र को प्रभावित है, सीएस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पीएसपी को का लैंड यूज आवासी कराना, सीएस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नई भूमि परिवर्तन कराना, ये अपने आप में हो सकता है जिसकी जमीन है तो उसके लिए ये थोड़ा बुरा लगने वाली बात है, उसके व्यक्तिगत हितों के लिए थोड़ा कुठाराघात की बात है। पर मैंने कहा ये मेरा एक व्यक्ति का लाभ या हानि का विषय नहीं है, ये सीएस क्षेत्र को सालों साल सैकड़ों साल हजारों साल के भावनाओं के अनुरूप काम करने के बाद एक व्यक्ति है तो क्या शंका पैदा होती है या नहीं होती है। दूसरा, समय पे अपनी बात कहना, विधानसभा में कहना, समय से पहले आपके माध्यम से और व्यक्तिगत प्रशासन के माध्यम से जो संवैधानिक होता है वो जनप्रतिनिधियों ने उस जगह पे स्थान पे स्टेज पे कहना, और आज सीएस क्षेत्र में परिवर्तन न हो और परिवर्तन मेरे और आपके हित के लिए ना।